बड़े व्यू देखो भाई। यहाँ पे पेड़ जो है ना एक साथ लाइन में लगी है, एक बहुत अच्छी चीज है देखने के लिए, काफी सुंदर है। प्यारा सामने नजारा है ना, इसलिए सही कहा है रिया ने कि मिनी स्विट्जरलैंड जैसा लग रहा है। देखो सामने वहां से निकला हुआ कितना सुंदर है भाई। आई एम गोइंग टू मिस दिस प्लेस एक्चुअली। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू वीडियो। मैंने आपको बताया है अब तक का कि आप डे वन डे टू कैसे प्लान कर सकते हैं, बट आज है डे थ्री ताजलिंग में डे थ्री आप कैसे प्लान कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी। बट आज हम लोग यहाँ से कर रहे थे चेकआउट, हम लोग रुके थे ग्लैडियस होम स्टे पे। इसका एक अलग से वीडियो आएगा मेरे चैनल पे, आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हैं कि कैसा रूम है, कैसा रूम सर्विस है, नॉल ब्ला ब्ला ब्ला। बट उससे पहले मैं बता दूँ आज हमारा फुल ऑन ट्रिप प्लान है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं सिलीगुड़ी से 8 बजे का ट्रेन है। बट उससे पहले भाया मेरी होती है और भी जो प्लेसेस आ रहे रस्ते में वो सब कवर अप करते हुए जाएंगे, तो आज का दिन आप लोग ऐसे भी प्लान कर सकते हैं। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम पक्का। लो भाई, घर पहुंचते वक्त हमारा जो पहला डेस्टिनेशन था वो था लेपचा जगत। एंड ये जब हम भाया मेरी खोते हुए जा रहे हैं स्टेशन पे, तो तब भी आप मतलब इसको रख सकते हैं ऐसे साइड सीन पॉइंट। एंड यहाँ पे जो है पाइन ट्रीज के लिए फेमस है। देखो यहाँ पे गंदगी मत मचाओ भाई, बस इंजॉय द व्यू। वाओ, ये भी वो एक काइंड ऑफ लामा हाटा से जैसे सूरज की किरणें आ रही थी ना वैसा ही है, बट वहाँ पे ओक ट्रीज थे, यहाँ पे पाइन ट्रीज है। एंड काफ़ी बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको, काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे ज़्यादा ऊपर जाने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट से निकले। बट लेपचा जगत बोला जाता है। यहाँ पे कुछ कुछ होम स्टेज भी है, आप लोग चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे रह के यहाँ का व्यू लेना, मज़ा उठाना। एक दिन का स्टे आप कर सकते हो बड़े आराम से। एंड अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे लेपचा जगत होम स्टे तो आपको काफ़ी मिल जाएंगे। अच्छे अच्छे नज़ारे देख लो यहाँ के, पाइन ट्रीज है सारे। एंड वैसे लेपचा जगत में रह के अगर सुबह से लेकर चाहते थोड़े भीड़ भाड़ से, थोड़ा रश से आके थोड़ा अलग से रहना, पहाड़ को फील करना, तो लेपचा जगत इज बेस्ट। एल्स थोड़े बहुत घूम के फोटोज़ वगैरह लेके आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ खास है मुझे नहीं लगता है। बट हाँ, ये चीज़ है जो खास बनाते पहाड़ों में पेड़ों के बीच में से होते हुए जाना, ठंडी ठंडी हवा अलग ही लेवल का पीस प्रोवाइड करते हैं। तो यार इसके बाद हम लोग चलते हैं सिमाना व्यू आई थिंक, तो लेट्स सी कि क्या मिलता है वहाँ पे जाके माना व्यू पॉइंट पे। यहाँ पे ना एक छोटा सा मार्केट भी है, आप लोग चाहो अगर आप लोग जा रहे पशुपति मार्केट नहीं जा रहे, स्किप करना चाहते, तो शिमाना व्यू पॉइंट के यहाँ से भी थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हैं। आई रियली डोंट नो कैमरे में कितना समझ आ रहा है, बट सामने से इट्स सो मिसमराइजिंग, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत 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 सुंदर लग रहा है। यार आज जा रहे हम लोग घर दार्जिलिंग से, अपने घर जा रहे कोलकाता वापस, बट ये व्यू ज़रूर मिस करूँगी इसका। कुछ अच्छे अच्छे फोटोज़ ले लेती हूँ, आप लोग मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, ट्रैवल मन मर्जी। तो गाइस, जिस तरीके से हम लोगों ने ट्रिप प्लान किए उस तरीके से आप भी कर सकते हो। यहाँ से निकलते हैं एंड इसके बाद हम लोग जाएंगे पशुपति मार्केट, वहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट है सुना है, एंड हो सकता है कुछ सस्ते में मिल जाए, मुझे घर वालों के लिए भी कुछ लेना है। सो चलिए अगले डेस्टिनेशन पे चलते हैं। शिवाना व्यू पॉइंट के बाद हम लोग आए हैं पशुपति मार्केट, जैसे कि आपको बताया था। एंड यहाँ पे कैसे क्या सामान मिलता है, किस कैसे प्राइस रेंज से मिल रहा है, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। पहुँच गए पशुपति मार्केट, वेलकम टू नेपाल। अच्छा, तो ये यहाँ से नेपाल बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये पशुपति मार्केट जो है ये एक्चुअली नेपाल में ही है। एंड तीन चेक पोस्ट था यहाँ पे, एक वेस्ट बंगाल चेक पोस्ट, एक नेपाल चेक पोस्ट और एक सेंट्रल चेक पोस्ट, सेंट्रल फोर्स का चेक पोस्ट था। तो वहाँ पे अपना आईडी वगैरह दिखा के हम लोग आए, वेलकम टू नेपाल। बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर घूमने में, क्योंकि हम लोग वेस्ट बंगाल में थे, वेस्ट बंगाल से नेपाल में एंट्री कर रहे हैं, तो
बहुत खुशी वाली बात हो रही है। हर बॉर्डर से मतलब कि एंट्री से हमें लेना पड़ रहा है एक छोटा सा मतलब थोड़ी देर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कैब ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से पशुपति मार्केट जो है वो 1.5 किलोमीटर का है एंड आने में भी 1.5 किलोमीटर लगेगा। मतलब चढ़ाई है, ढल उठना भी पड़ना है, चढ़ाई भी उतरना भी है, इसलिए हमने सोचा कि कैब ले लेते हैं। 75 रुपीज पर हेड पड़ रहा है आना जाना बहुत विद वेटिंग को लेके। चलो भाई चलते हैं, ठीक ही है। ये जा रहे हैं पशुपति मार्केट की ओर। रास्ता भी काफ़ी सुंदर है। तो हम लोग अभी नेपाल के अंदर है। भैया ने अपना गाड़ी नंबर भी दे दिया है ताकि हम लोग खोला जाए, क्योंकि हमें इसी गाड़ी से रिटर्न भी आना है। अच्छा, ये टोकन दिखाने से रिप्लेसमेंट पे दूसरा गाड़ी मिलेगा। और पैसा कहाँ देना है? जो गाड़ी आपको ऊपर ले गया है ना उसी को पैसा देना है। अच्छा, पशुपति टेम्पल है यहाँ पे, टैक्सी ड्रॉप एरिया यहीं पे है, तो यहाँ पे हमें उतार दे भैया ने। अभी यहाँ से हमें जाना है थोड़ा नीचे एंड नीचे ही गाड़ी मिल जाएगा आते वक्त ऊपर आने का। तो ये लोग जा रहे हैं मंदिर, तो मतलब जादू लग गई है ऐसा, क्योंकि ये जो है हमारे वहाँ पे यहाँ पे 1500 ऐसा बजट है ना शैम्पू वगैरह का। तो हम लोग अभी ये नेपाल एग्जैक्टली में नेपाल पे है पशुपति मार्केट एंड यहाँ पे काफ़ी सस्ते में मिल गया। तो आपको पता ही है सस्ते का सामान कौन ही छोटा है, थैंक गॉड मिल गया। कितने कैसे है रेंज इस सब का? 1150। और ये जीन्स में फाइनली शॉपिंग हो गई कंप्लीट हमारी। मैंने कुछ कॉस्मेटिक्स के लिए थे, मम्मी के लिए तो वहाँ से ले लिए, पापा के लिए यहाँ से लिए और बच्ची के लिए लिए, और फिलहाल सबके लिए चाय पत्ती ले जा रहे हैं। गर्मा गर्म चाय पिलाएंगे सबको बना बना के। इट्स जस्ट टू गुड। बहुत सुंदर है, रास्ता भी बहुत सुंदर है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही दिखा, काफी अच्छा अच्छा है। मेरी का आई थिंक जर्नी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, पता नहीं मेरी जाने के बाद क्या दिखेगा। वही वो पाइन ट्रीज वगैरह ही है ना भैया? मेरी लेक भी है। हाँ, तो देख, अरे व्यू देखो भाई। अगर मीरिक जाते वक्त आप ऑन द वे मतलब रास्ते से जा रहे तो आपको ऐसे व्यू दिखेंगे, ये गोपालहर या गोपाल धारा जिसको बोलते हैं उस स्टेट से स्टार्ट हो रहा है एंड मीरिक के वे तक ये पड़ेगा। एक्चुअली भैया बोल रहे हैं कि हम स्टेशन तक पड़ेगा, तो काफी सुंदर है भाई, क्या बोलूं मैं, वाओ, इट्स वाओ। तो भैया वेलकम भाई, हमें जाते वक्त मीरिक के पहले ना एक और जगह मिला है गोपाल धारा। यहाँ पे गोपाल धारा टी स्टेट, आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, घूम सकते हैं। एक्चुअली हम लोगों ने बहुत ज़्यादा घूम लिया है, टी स्टेट तो है इस एरिया में, तो यहाँ पे कुछ खास जाना नहीं है। हमें टी शॉप्स भी मिल जाएंगे, आप चाहो तो यहाँ पे टी खरीद भी सकते हो एंड फोटोज़ वगैरह भी ले ही लिया है, तो कुछ खास है नहीं जाने के लिए अंदर। तो यहीं से बैकआउट करते हैं, गाड़ी में जाते हैं, फिर मीरिक जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे पेड़ जो है ना एक साथ लाइन में लगी है, बहुत अच्छी चीज है देखने के लिए, काफी सुंदर है। इतना प्यारा सामने नजारा है ना, इसलिए सही कहा है रिया ने कि मिनी स्विट्जरलैंड जैसा लग रहा है। देखो सामने खुली आंखों में देखने में इतना अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है भाई। पहुंच गए मीरिक पार्किंग एंड देखते हैं यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। मीरिक गेट के एकदम एंट्री के सामने ही आपको ऐसे मार्केट देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप चाहो तो शॉपिंग कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहते हो कि घर के लिए कुछ ले जाना घर वालों के लिए, तो आपको ढेर सारा मार्केट मिल जाएगा यहाँ पे रस्ते पे, जैसे कि पहले शिमाना व्यू पॉइंट पे भी था, पशुपति मार्केट भी है, यहाँ पे भी मार्केट है, यहाँ से भी आप खरीदारी कर सकते हो। फिलहाल हमारी शॉपिंग तो हो गई है एंड हम लोग आगे हैं मीरिक, देखते हैं मीरिक में क्या देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे एंट्री होता है, टिकट भी होता है शायद, कितना करके देखते हैं टिकट कितना करके पर पर्सन 20 रुपीज। तो भाई फाइनली पहुँचे मीरिक एंड यहाँ से टिकट लेते हैं, अंदर जाते देखते क्या नज़ारा मेरे को मिलता है। थैंक यू। चलिए भाई, क्या नज़ारा है, काफ़ी सुंदर है। ओहो, अच्छा इट्स काइंड ऑफ पार्क, जैसे कोलकाता में बहुत सारे पार्क है, इको पार्क, निको पार्क तो एडवेंचरस पार्क है, बट ऐसे नेचर व्यू पार्क इको पार्क है वैसा ही है, बट हाँ डिफरेंट वे में सजाया गया है, डिफरेंट तरीके का व्यू आपको मिलेगा, साथ ही साथ पाइन ट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी एंड एक लेक भी है जहाँ पे मीरिक लेक पे आप लोग बोटिंग भी कर सकते हैं। भाई एक अपडेट है, जो कि हम लोग 20 रुपीज़ से टिकट कटवाए थे, मुझे ऐसा लगा कि पूरा मीरिक के लिए है ये एरिया के लिए, बट ऐसा नहीं है, वहाँ तक जो ब्रिज दिख रहा है वो ब्रिज से होते हुए उधर जा सकते हैं, सब शिकारा राइड, बोट राइडिंग सब कुछ उसी साइड है
एंड उसके लिए आई डोंट थिंक कोई चार्जेस लगता है क्योंकि सिर्फ इत्तू से पार्क में विजिट करने में 20 rupees लगा पर हेड। तो भाई यहाँ पे जो है कपल वगैरह शूट भी हो जाते हैं, प्री वेडिंग शूट एंड ऑल चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैंने जैसे कि कहा पार्क है, नेचर व्यू पॉइंट है, तो यहाँ पे अच्छे खासे शूट्स हो जाते हैं। ऐसे आपको शिकारा बोलते हैं उसको, ऐसे शिकारास भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे एंड ये भी मिल जाएगा बोटिंग वगैरह। कितना करके 107, 320, 640। आप लोग दोनों साइड भी जा सकते हैं, शॉर्ट भी जा सकते हैं, शॉर्ट भी नामी का शॉर्ट है और रास्ता लंबा है। तो वही अभी हमारा कुछ शिकारा प्लान है, शिकारा राइड करने का एंड लोगो हॉर्स राइड भी करनी है, हॉर्स राइडिंग। तो लेट्स सी, प्राइसेस तो आपको बता दिए, पता चल गया। फिर अभी इसे गेट से बाहर ही जाना पड़ेगा एंड फिर वहाँ से जाके हम जा सकते हैं। बीच में चढ़ने से पहले आपको खाने पीने के स्टॉल्स भी मिल जाएंगे, अच्छे से खा पी सकते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग करना हुआ वो भी कर सकते हैं। जब बोटिंग के टिकट्स वहाँ से होता है, शिकारा राइड करना है हमें, मतलब ये जो ब्रिज दिख रहा है ब्रिज के राइट साइड से एंड की ओर टिकट्स मिलते हैं, टिकट्स ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे सारे प्राइस लिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं, उसको पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं। पहुँच गए बोट राइडिंग के लिए क्योंकि शिकारा पे करेंगे, यहाँ से 5 बजे तक निकलेंगे हम तभी पहुँच पाएंगे टाइम पे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ से जल्दी जल्दी शिकारा राइड कर लेते हैं, थोड़ी बहुत घूम लेते हैं आसपास लेके के एंड फिर निकलते हैं यहाँ से क्योंकि हमारा एक ही दिन में सब कुछ है भाई। ये है शिकारा। अरे वाह भाई वाह, क्या फीलिंग आ रही है, एकदम मज़ेदार, झक्कास, लाजवाब जिसको बोलते हैं। भाई यहाँ के कुछ व्यूज है ऑसम, मतलब ये शिकारा राइड बोलो या 4 seating बोट राइड भी आप ले सकते हो, बट यहाँ से नज़ारा कुछ अलग ही लग रहा है। बैठे बैठे बस नेचर व्यू लेते रहो। हेलो भाई, शिकारा राइड कंप्लीट हो गई, कब कंप्लीट हो गया पता भी नहीं चला, बट काफ़ी सुंदर था ये राइड। फोटोज वगैरह के लिए आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी में फॉलो भी कर सकते हैं, चेकआउट भी कर सकते हैं। भाई हो गई हमारी शिकारा राइड एंड आज की जर्नी यहीं तक नहीं है क्योंकि यहाँ से हम लोग जाएंगे सिलीगुड़ी स्टेशन और जिनका भी NGP तक जाना हुआ तो वो जा सकते हैं। मतलब आज टोटली हमने 4-5 जगह घूम लिए, घूमने के अच्छे स्पॉट्स हैं, सुबह से निकल के शाम तक आप स्टेशन पहुँच जाओगे अगर रात बजे का की टिकट रखते हो तो। तो यहाँ पे भी एक ब्रिज है, वो भी चेकआउट कर सकते हैं आप लोग, काफ़ी सुंदर है यहाँ पे फोटोज वगैरह लेने के लिए एकदम परफेक्ट। में और प्लस पॉइंट है कि आप यहाँ पे हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, जैसे कि पहले ही आपको कहा 120, 360 एंड 640 करके रेंजेस है, शॉर्ट ट्रिप, लॉन्ग ट्रिप, ऐसे मिडिल ट्रिप करके डिवाइडेड है, ऐसे ट्रिप्स आप ले सकते हैं यहाँ पे आके। मिरिक में जो है इस साइड भी आप जा सकते हैं, हाँ यहाँ से आप जाएंगे तो आई लव मिरिक वाला आपको वो दिखेगा, इस ब्रिज से होते हुए आपको आना है एंड अगर आप चाहते हैं आई लव मिरिक के पास जाके फोटोज़ वगैरह लेना, अगर आप मिरिक विजिट कर रहे हैं एक फ़ोटो तो बनता है। तो मेरे जो दोस्त लोग थे उनको थी थोड़ी सी करनी शॉपिंग, तो मैं निकल आई, मैं चलती हूँ भाई, मैं जाती हूँ भाई, मेरे को तो चाहिए मेमोरीज अपने एंड काफ़ी सुंदर है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मेरी इस ट्रिप में सिंगल पर्सन की खर्चा पड़ा है 1,500 से लेकर 2,000 तक, इसमें लॉजिंग, फूडिंग एंड ट्रैवलिंग खर्चा मिक्स है, पर ये शेयर में था, मेरे फ्रेंड्स लोग थे, सब ने अपने अपने बजट शेयर किए हैं। बट अगर आप कपल आ रही या फिर फैमिली में आ रहे तो वो आपके ऊपर टोटली आ रहा है, पूरा के पूरा बजट आएगा आपके ऊपर, तो उस हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं, उस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। अगर जैसे कि एक पर्सन का अगर आ रहा है एक दिन में 1,500 से 2,000 रुपये, तो उस हिसाब से अलग अलग दिन का अलग अलग पर्सन के हिसाब से आप उसको ऐड कर सकते हैं। काफ़ी लेट हो चुकी है हमारी, भैया ने एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि कहीं पे नहीं रोका जाएगा, कोई डिमांड नहीं है, कोई डिमांड नहीं रखा जाएगा, क्योंकि भैया ने काफ़ी डिमांडें पूरी की हमारी, कई लकड़ी चाहिए तो वो भी कोशिश किया, कैविंटर में खाना है वो भी कोशिश किया, सब कुछ भैया ने ट्राई किया अपना फुल ऑन। एनीवेज गाइस, हम लोग यहाँ से निकलते हैं एंड जाते डायरेक्टली सिलीगुड़ी स्टेशन पे पहुँचते हैं।
क्या बोलते भैया? जी हाँ, सो बाय बाय मिरिक। ये है मिरिक से छूटते हुए सिलीगुड़ी के वे जाते हैं, बट रियली आई एम गोइंग टू मिस यू दार्जिलिंग। मतलब इतना अच्छा फीलिंग दार्जिलिंग में आने के बाद मुझे होता है, क्यों पता नहीं। गैंगटॉक में तो घूमे है बट स्टिल साइट सीइंग, लोकल साइट सीइंग वगैरह किया, बट दार्जिलिंग दार्जिलिंग। भाई फाइनली पहुंच गए सिलीगुड़ी स्टेशन। भैया ने एक घंटा पहले हम लोगों को पहुंचा दिया है। एक घंटा टाइम है, आराम से खाएंगे पियेंगे एंड फिर ट्रेन में चढ़ के सो जाएंगे। भाई बहुत थकान महसूस हो रही है, पीछे के लोग तो सोए हुए थे थोड़ी बहुत भी। मैं तो भैया को कंपनी दे रही थी। क्या भैया कंपनी मिला? अच्छा ओके, एक बार बोल दीजिए। ओके वेल गाइस, इस वीडियो के यही तक रखते हैं। एकदम ही सुबह जाके बात करते हैं क्योंकि अभी मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं रहा है बात करने की। सो बाय।